वेलकम टू फिट गाइडेड जी। मैं आपको आज ऐसे आयुर्वेदा आदतों के बारे में बताऊंगा जिससे आपको पाचन का समस्या नहीं होगा। अगर आपको वेट लॉस करना है वो भी आसानी से हो जाएगा। तो इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए जिससे मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप देखिए, अगर आप आयुर्वेदा के हिसाब से अपना डाइट लेंगे और कुछ आदतों को बदलेंगे, गुड हैबिट जो आयुर्वेदा के हिसाब से करेंगे आप, तो आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम होएगा, पाचन का प्रॉब्लम। अगर आप मसल बिल्ड भी करते तो इसमें भी बहुत फायदेकारी होगा और आप बीमारी से बचे रहेंगे। देखिए, पहला है आपको सुबह सुबह उठकर गर्म पानी पीना है, वार्म वाटर। देखिए, अगर आप गर्म पानी पियेंगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा, जिससे खाना भी जल्दी डाइजेस्ट होएगा, पचेगा और गैस का, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सुबह सुबह उठकर आप गर्म पानी पिए। इसमें आप मोद भी ले सकते हैं, हनी या और लेमन भी ले सकते हैं, नींबू का रस, जिससे और फायदेकारी होगा और आपके बॉडी से टॉक्सिन निकालने में मदद करेगा। फिर दूसरा है कि आप कोई भी वेजिटेबल भाजी पकाते हैं तो ज़्यादा नहीं पकाना है। अभी ज़्यादा नहीं पकाने का मतलब आपको कच्चा नहीं, मीडियम, ना ही ज़्यादा पकाना है ना ही कच्चा खाना है। देखिए, बहुत जन ज़्यादा भाजी को पका देते हैं जिससे इसका न्यूट्रिशन चले जाता है, जिससे आपके बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। आप अगर मीडियम भाजी को पकाएंगे, ना ही ज़्यादा ना ही कच्चा, तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन भी लगेगा। फिर तीसरा है, आपको खड़े रहकर पानी नहीं पीना है। देखिए, अगर आप खड़े रहकर पानी पियेंगे तो आपके जॉइंट में पानी जमा हो जाएगा, जिससे अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है और बराबर से आपके बॉडी से टॉक्सिन नहीं निकल पाएगा। तो कभी भी आप पानी पिए तो बैठ के पिए, जिससे आपका जॉइंट भी मजबूत रहेगा और ना ही आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आएगा। फिर चौथा है, आप खड़े रहकर खाना मत खाइए। देखिए, अगर आप खड़े रहकर खाना खाएंगे तो बराबर से डाइजेशन नहीं होता है, खाना पच नहीं पाता है। तो अगर आप खाना खाते तो बैठ के खाना चाहिए। पांचवा है, अगर आप कोई भी फूड खाते तो सीज़न के हिसाब से खाना चाहिए। देखिए, सब फल का अलग अलग मौसम रहता है और कोई भी खाने का। देखिए, जैसे घी और गुड़ गर्मी होता है तो आप इसे ठंडी में खाएंगे तो ज़्यादा फायदेकारी होगा आपके बॉडी के लिए। ऐसे ही कोई भी फल खाते, आम या लीची या कोई भी फल, तो जो फल जिस मौसम में उगता है उसी मौसम में खाना चाहिए आपको, जिससे आपके बॉडी को बहुत फायदेकारी होगा, बेनिफिट होगा। देखिए, क्योंकि बहुत सारा फल है जिसमें पेस्टिसाइड होता है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है, जिससे आपको बहुत तरीके के बीमारी हो सकते हैं। तो आपको कोई भी खाना मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। फिर छठा है, अगर आप खाना खाते तो आपको टीवी नहीं देखना है या फ़ोन में देखना है,
या न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आप खाना खाते हैं तो आपको सिर्फ खाना खाने में ध्यान रखना है। फिर गलत खाने का मिक्स होना, देखिए बहुत जन गलत खाने को मिक्स कर कर खाते हैं, जैसे कि दही कोई भी सॉल्टी खाना के साथ, जिससे आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत से बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप दही खाते दही खाना चाहिए आपको, कोई सॉल्टी या कोई तीखा चीज़ उसके साथ मिला के नहीं खाना चाहिए, या अंडा या दूध ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होता, या घी या मोद हनी, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन पाचन का समस्या हो सकता है और बहुत सारे बीमारी हो सकता है। तो इसलिए ये सब खाना आपको मिक्स नहीं कर कर खाना है। फिर अगर आप खाना खाते तो कोई जल्दी नहीं है, आपको स्लोली स्लोली खाना है, बराबर से चबा के च्यू करके, जिससे ये बराबर से डाइजेस्ट हो सके। फिर है कि आपके खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, पाचन नहीं हो पाता है, तो आप थोड़ा सा अदरक लीजिए, उसमें नींबू का रस मिला दीजिए, लेमन जूस, और इसमें थोड़ा सॉल्ट मिलाकर आप खा सकते हैं, जिससे आपका सलाइवरी ग्लैंड डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, जिससे खाना डाइजेस्ट होने में बहुत अच्छा रहेगा, पाचन होने में। तो ये सब कुछ आयुर्वेदा के सलाह थे, गुड हैबिट जो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर ये सलाह आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।